सबसे पहले आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इसके बारे में, यस या ईएस के बारे में। ठीक है, यस या ईएस कब लगाने हैं, कब हटाने हैं, ये सारा चीज बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। क्रिया में यस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी शब्द यदि ओ एस एक्स एस एच या सी एच हो तो एस के बजाय वहां पर ई एस हो जाता है। अगर यहां पर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, डबल एस भी कर सकते हैं। ठीक है, डबल एस भी एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर डबल एस भी होता है डबल एस के स्थान पर भी जो है ई एस का ही हमेशा प्रयोग किया जाता है और इसमें किसी प्रकार की कोई दूसरी कंडीशन नहीं लगती है कि ये चीजें नहीं आएंगी। जैसे इस तरीके से पूरे सेंटेंस को हम क्लियर कर सकते हैं। और जो यस या ईएस लगाते हैं कहाँ पे क्या लगाना है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। शायद इस तरीके से अगर हमने पढ़ा तो कभी भी जीवन में इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम इन मीनिंगों का यूज़ करना, इन वर्ड्स का यूज़ करना कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। ये छोटे छोटे से जो अल्फाबेट होते हैं इनमें ही जा करके हमको प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं जा करके हमको अपने आप में खुद सर मानने लगती है कि बताइए हम ग्रेजुएट हैं, इंटर पास है, हाई स्कूल पास है और इतनी छोटी सी चीज़ हमको नहीं आ रही है। इसलिए छोटी चीज़ है लेकिन सही वक्त पे बहुत बड़ा काम करती है, इसलिए इसे पूरा देखें और ट्राई करें। आपको भी आता है कि नहीं आता, यदि और कुछ भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।